एक बदल दिए हैं। आपने देखा हो, जब से मोदी जी योगी जी आए हैं तब से जनता के लिए भारत जो है विश्व में पांचवा स्थान प्राप्त कर लिया, G20 का नेतृत्व कर रहा। तो अब जनता वोट के बारे में जान गई कि हम वोट से कितनी बड़ी पहचान होती है, वोट से कहाँ हम आगे जाते हैं, वोट से भविष्य देश विकास होता है, वोट से क्षेत्र का विकास होता है, वोट से मोहल्ले का विकास होता है, वोट से सुरक्षा मिलती है, वोट से न्याय मिलता है, वोट से हमारे बच्चों का भविष्य मिलता है और हमें सहयोग मिलता है सरकार से और सम्मान मान सम्मान स्वाभिमान मिलता है। तब वोट जो है जनता जान चुकी है, चुकी भी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी ही किसी पार्टी को खड़ा और बड़ा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी में एक ट्रेंड कार्यकर्ता है, वो जनता को बता चुके हैं कि आपने हाथी से की पंजाब में वोट डाल दिया, उसके बदले क्या पाया और भारतीय जनता पार्टी में कमल पर दबा दिया, तो आपने 6 साल में आप देखो क्या पाया और नगर निगम में चुनाव में क्या पाओगे और कितना आपके गोरखपुर को बताओ यहाँ का देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या हो गया, 6 साल पहले क्या था, अब 6 साल बाद क्या है। तो आज के दिन में ये सब जनता जान रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी। अखिलेश यादव कई बार आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो सरकार जो है थोड़ी सी बरसात होती है तो सड़कें डूब जाती हैं, सरकार में करप्शन है, कई बार आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप में दम कितना है? 30 साल से उनकी सरकार रही है, 30 साल से उनकी सरकार रही है, क्या किया था 30 साल? हमारी सरकार 6 साल से बहुत कुछ किया है, तो ये तो उनको सोचना चाहिए ना, 6 बार सरकार उनकी रही है, क्यों नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराया, क्यों नहीं नगरों को पैसा दिया? आज हम लोग स्पेशल नगर विकास के लिए काम कर रहे हैं, नगर में मकान के लिए आज देखे कैसे गरीब रहते थे, किस तरीके सड़कें रहती थी, आज हम हर क्षेत्रों में पैसे दे रहे हैं, हर क्षेत्रों में अपने मॉनिटरिंग करके अपने मंत्रियों के द्वारा अपने कर्मचारियों के द्वारा यही साधन संसाधन है। पहले की सरकार कुछ सोचती नहीं थी, पहले भी मकान दे सकते थे, पहले भी शौचालय बना सकते थे, पहले भी सड़क बना सकते थे, पहले भी तो पैसे थे, पहले भी तो इनके पास सब कुछ था। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारी सरकार ने सब कुछ कर रही, इसलिए सरकार के साथ जनता। समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज से ही कैंडिडेट को खड़ा किया है, काजल निषाद? देखिए वो तो पार्टी है, किसी को भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन देखिए मछुआ समुदाय जो है ये निषाद पार्टी के साथ है, निषाद समाज 2019 में आपने इसको सपा बसपा एक हो गई थी, फिर भी यहाँ एक मछुआ समुदाय के व्यक्ति को खड़ा किया था, लेकिन बदले में निषाद समुदाय व्यक्ति के साथ नहीं, निषाद प्रत्याशी के साथ नहीं, निषाद पार्टी के साथ था, निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए हमारा समुदाय भारतीय जनता पार्टी को। गोरखपुर में मतदान प्रतिशत बेहद कम रहा है, आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा निराश करने वाला है, इस बार क्या तैयारी लग रही है आपको? निश्चित रूप से आंकड़ा अच्छा रहेगा और देखिए बड़े हर्षोल्लास से लोग वोट डालें और डालेगा, मत प्रतिशत गोरखपुर का अच्छा रहेगा। आप खुद वोट करने जा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है रुझान क्या जनता का लग रहा है? देखिए रुझान भारतीय जनता पार्टी में है, आप देख सकते हैं, अब चूंकि मीडिया सोशल मीडिया सब बता रही है और उससे हमें पता चल जाता है कि हम अपना वोट डाले हैं, पिछले पहले भी डाले हैं तो क्या पाए हैं, और हम अब 3 बार से लगातार केंद्र के लिए, राज्य के लिए और नगर निगम के लिए जो अब 2 सरकार बना चुके हैं दिल्ली लखनऊ की, तो 3री सरकार जो नगर की निकाय की चुनाव है ये भी एक सरकार है, ये भी एक बोर्ड है, तो ट्रिपल 3री सरकार भी बनाएंगे और निश्चित रूप से जिस तरीके से केंद्र की सरकार बनाए राज्य की, वैसे निचली तीसरा भी सरकार। बीजेपी लगातार प्रचार करती रही, मंत्री मुख्यमंत्री खुद प्रचार करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव आखिरी दिन रोड शो उन्होंने किया, क्या कारण आप मानते हैं? देखिए हम लोग जनता के लिए पैदा हुए और जनता के बीच में रहने के लिए पैदा हुए हैं और जनता के क्रिया जनता को अपनी योजनाएं जितना हम काम किए हैं जनता को बताना ही।